दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। देखिए हम जो 30 अगस्त को एक हमने वीडियो डाला था जिसमें एयर लेयरिंग की प्रोसेस दिखाई थी और जिसमें हमने बड़े पेड़ से एक नया पौधा तैयार करने के लिए एयर लेयरिंग की प्रोसेस की थी। ये हम पौधा हमारा तैयार हो चुका है और ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पेड़ से काट रहे हैं हम इसको, इस डाली को, और इसमें जड़ें निकल आई हैं और ये हम आपको दिखाएंगे। अभी आप देखेंगे ये देखिए काट रहे हैं, पेड़ पर चढ़े हुए हैं ये मिस्टर बजेंद्र सिंह। और ये लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं, ये देखिए आप, ये लगभग कटने ही वाला है। और ये इस पर इसी वर्ष मतलब अगले सीजन में है, जब फलों का मौसम होता है तब इस पर फल भी आएंगे। इस जो एयर लेयरिंग की टेक्निक जो है इसकी यही विशेषता है कि बरसात के मौसम में इस तरीके से एयर लेयरिंग कर देते हैं और 25 से 30 दिन में इसमें रूट्स निकल आती हैं, फिर इसको जहाँ भी लगाना होता है वहाँ लगा देते हैं, फिर उससे नया पौधा तैयार हो जाता है। देखिए इन्होंने एयर लेयरिंग वाली डाली काट ली है और ये अब नीचे उतर के आ रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं लगातार दिखा रहे हैं आपको। एयर लेयरिंग जिस पे की थी वो डाली काट ली इन्होंने और ये नीचे पेड़ से उतर के आ रहे हैं और ये आगे हम जहाँ भी लगाएंगे वो भी दिखाएंगे आपको भी। हाँ देखिए जो डाली इन्होंने एयर लेयरिंग की काटी है वो इस तरीके से अब हम लेकर जा रहे हैं, इसको जहाँ पर लगाना है उस स्थान पर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से उन्होंने डाली काटी है, इसको खोल के दिखाएंगे, जहाँ लगाएंगे वहाँ पे इसमें रूट्स निकल आ। हाँ देखिए दोस्तों, तो ये हम ये जो एयर लेयरिंग की थी वो जो लेके आए हैं यहाँ इसको रोपण करेंगे। यहाँ पर हमने ये खड्डा खोद लिया है, यहाँ पर देखिए ये खड्डा खोद रहे हैं, ये देखिए चल रहा है। देखिए यहाँ पर ये खड्डा खोद लिया है यहाँ पे, और ये करीब 1.5 फुट खड्डा खोदना होता है। ये देखिए यहाँ पे खड्डा खोद रहे हैं, करीब 1 से 1.5 फुट गहरा खड्डा खोद लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, हम दो लेके आए थे यहाँ पे, एक लगाएंगे यहाँ पर, एक दूसरी जगह लगाएंगे। ये देखो काफ़ी लंबा जो पेड़ है डाली लेके आए हैं वो अच्छा है, ये देखिए इस तरीके से। हाँ देखिए ये हम अब इसको खोलते हैं और देखिए हम इसकी रूट्स दिखाएंगे आपको, इसमें रूट्स निकल आई हैं और ये जो रूट्स हैं इसके हिसाब से ही ये पौधा जल्दी हो जाता है। बड़े पेड़ से तैयार करने की जो एयर लेयरिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो तकनीक बोलते हैं वही है ये। अब इसको खोल रहे हैं तो ये आप देखिए, अभी दिखाते हैं हम, ये देखिए इन्होंने यहाँ से इसको निकाल दिया है पॉलीथीन को। और ये देखिए हम आपको रूट्स दिखाते हैं, ये रूट्स बिल्कुल लाइव रूट्स हैं, जिंदा रूट्स हैं। ये देखिए रूट्स निकल आई हैं इसमें, कितनी अच्छी रूट्स निकली हैं। अब इस पौधे को हम इसमें लगा देंगे और ये बड़े पेड़ से नया पौधा तैयार करने की जो टेक्निक है वो आप देख लो। ये देखिए अब ये यहाँ पे लगाएंगे जो खड्डा खोद रखा था, और ये रूट्स मैंने आपको दिखाई दिए हैं। हाँ ये देखिए ये न्यू रूट्स निकल आई हैं इसमें, और ये रूट से ही नया पौधा बन जाएगा। ये जो डाली काट के लाए हैं ये हमने इसमें रखवा दिया है, ये देखिए करीब 1.5 फुट गहरा खड्डा खोदा था हमने, तो ये अब इसमें रख दिया है। अब चारों तरफ से इसकी मिट्टी कर देंगे। ये देखिए अब एयर लेयरिंग की विशेषता ये होती है, बड़े पेड़ से नया पौधा जो बनाते हैं उस पर उसी वर्ष फल भी आने लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ लगा रहे हैं, और ये जो डाली थी काफ़ी लंबी डाली है ये हम लेके आए हैं, इसको देखिए यहाँ पर। और ये बकरी थोड़े जानवरों से भी सुरक्षा रहेगी, तो अगर आप करना चाहें तो थोड़ी लंबी डाली लें। और ये देखिए इसमें अभी बस इसको लगा दिया है। तो दोस्तों ये देखिए आप, इस
तरीके से आपको लगा देना है और ये मिट्टी इस तरीके से कर लेनी है। और अगर आपकी मिट्टी में मॉइस्चर की कमी है, अगर आपकी ज़मीन में मॉइस्चर की कमी है अगर, तो आप वाटरिंग भी करनी चाहिए, लेकिन इस समय हमारे यहाँ मॉइस्चरिंग काफ़ी है, मिट्टी काफ़ी गीली है, तो हम यहाँ पे वाटरिंग नहीं करेंगे, हम 2 से 4 दिन बाद वाटरिंग कर देंगे। वैसे हमारे यहाँ ये मॉइस्चर अच्छा है, लेकिन ये मिट्टी को सेट करने के लिए इसमें अंदर एयर नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम वाटरिंग कर देते हैं थोड़ी सी, ये तो इसमें एयर नहीं जाएगी, मतलब एयर जाएगी तो वो जड़ें सूख जाएंगी और ज़मीन को नहीं पकड़ेंगी जड़ें, और ये वाटरिंग कर देंगे तो ये जड़ें जो हैं उस ज़मीन को पकड़ लेंगी और ये पौधा अपने आप खड़ा हो जाएगा आराम से और ये ठीक से ग्रो होने लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की इस तरीके से एयर लेयरिंग करके और नया पौधा बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, अच्छी गुणवत्ता वाले जो पौधे होते हैं फ्रूट्स के या फ्लावर के, फल और फूल के जो भी पौधे होते हैं, उनकी आप इस तरीके से एयर लेयरिंग करके नया पौधा बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। हर सीजन में, मतलब अगली सीजन में ही उस पर फल आने लगते हैं। तो ये देखिए, आप हमने आपको पूरी तरह से दिखाया। अगर आप हमारे वीडियो पर सॉरी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, मुझे आप अधिक से अधिक सपोर्ट करें। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।